दरवाजा बंद कर दो भाई। नमस्कार वियली भाइयों, मैं अश्वनी कुमार राजपूत आज आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो आज हमें एनपीएस के बारे में जानकारी देने के लिए और उसकी बारीकियों को बताने के लिए दिल्ली मुख्यालय से हमारे साथ सोनिया जी जुड़ी हुई हैं, जो आप सभी लोगों को एनपीएस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। सोनिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और वीएलई भाइयों को एनपीएस के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हैं। सोनिया मैम। नमस्कार सभी को। मैं सोनिया सीएससी के मुख्यालय में कार्यरत हूँ और आज की मुलाकात के द्वारा मैं आपको एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में जानकारी दूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, हम रिटायरमेंट के लिए प्लान क्यों करें। ठीक है, तो आज की डेट में जैसे कि आप सबको ही पता है कि हेल्थ केयर का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। ठीक है, जो भी हमारे खर्चे हैं हमारी हेल्थ पे, तरह तरह की बीमारियां हो गई, इसका कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है। हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब रहने का तरीका, ठीक है, इसमें भी इसका भी जो कॉस्ट है, ठीक है, ये भी बहुत बढ़ गया है। इन्फ्लेशन आप लगाओगे महंगाई को लेकर, आप और सपोर्ट योर फैमिली एंड डिपेंडेंट्स, हो सकता है कि जब आप 60 साल के हो जाओ, 65 साल के हो जाओ, 70 साल के हो जाओ, उसके बाद भी आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो उसके बाद भी आप पर डिपेंडेंट हो, और आपका जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ स्टाइल है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी आपका जो लाइफ स्टाइल है आप उसको प्रोटेक्ट कर सको, तो रिटायरमेंट हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनपीएस जॉइन किया यानी इंडिया के सिटीजन है, रेजिडेंट है या एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, और एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आप जब ज्वाइन करते हैं आपका जो एज है वो 18 से 70 के बीच में होना चाहिए, वेदर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं और सैलरीड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, बेसिक केवाईसी कुछ नॉर्म्स हैं, लाइक आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके पास एड्रेस ऑफ और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, वैलिड बैंक डिटेल्स, इसके साथ आपका एनपीएस का अकाउंट खुल जाता है। अब एनपीएस में इन्वेस्ट कैसे करें, तो आपका जब आप अकाउंट ओपन करते हो मिनिमम आप 500 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करोगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग आपको 500 रुपये से 500 रुपये के कॉन्ट्रीब्यूशन से अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, और इसके बाद आपने एक बार अकाउंट तो खोल दिया, अब आप इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी करोगे, चाहे आप मंथली करो या साल में करो। ठीक है, तो मिनिमम आप 500 कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन जो आपका ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 1000 रुपीज़ होना चाहिए। अगर आप साल में 1000 रुपीज़ नहीं डालते हो, 1000 रुपये नहीं डालते हो, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसलिए आपका जो मिनिमम सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 500 रुपये रहेगा, लेकिन ईयरली अगर हम देखें तो 1000 रुपये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अकाउंट आपका एक्टिव रखने के लिए। एनपीएस के बेनिफिट जान लेते हैं, दैट इज रेगुलेटेड। तो पहला इसका बेनिफिट है ये है कि ये रेगुलेटेड है, पीएफआरडीए इसको रेगुलेट करता है, पीएफआरडीए एक संस्था है जो इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, अब रेगुलेटेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप पैसा डालते हैं, ठीक है, आपने अकाउंट तो खोल दिया, आपने उसमें पैसा भी डलवा दिया, कल को आपको सेटलमेंट करना है, कुछ भी हो सकता है, आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं अमाउंट, या डेथ के बाद सेटलमेंट है, कुछ भी सेटलमेंट है, आप इसकी सुनवाई कहाँ हो इसकी, तो इसकी सुनवाई के लिए पीएफआरडीए है जो इसको रेगुलेट करता है। सिंपल है, सिंपल एज इन कि बहुत ही बेसिक केवाईसी नॉर्म्स के लिए आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते, आप अपना आईडी प्रूफ दोगे, एड्रेस प्रूफ दोगे और बैंक डिटेल्स दोगे, इन 3 चीज़ों से आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल एज इन कि आप अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, पेंशन फंड मैनेजर्स, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो खुद से। पोर्टेबल है, पोर्टेबल एज इन कि आज आप किसी लोकेशन पे हैं, आज आप यूपी में हैं, कल आप बिहार में, ठीक है, हो सकता है, या आज आपका जॉब लोकेशन कुछ और है, कल आप कहीं और स्विच कर गए, तो आपका जो कॉर्पस है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, आप उसको कहीं से भी
रेगुलर अपना अकाउंट जो है चला सकते हो टैक्स सेविंग। तो इसमें आपको टैक्स सेविंग मिलता है अंडर 80CCD के अंदर आपको जो 1.5 लाख के ऊपर 50,000 का NPS में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ट्रांसपेरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो इसका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जो आपके चार्जेस होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं है जो आपने एक बार अकाउंट खुलवा लिया और उसके बाद आपको बताया जाए कि नहीं ये चार्जेस भी कटने हैं, ये भी कटने हैं। तो चार्जेस जितने भी हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। सिलेक्शन ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अब आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं लाइक पेंशन फंड्स एंड पेंशन स्कीम्स, ठीक है, आज के डेट में हमारे पास 10 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। आदित्य बिरला हो गया, HDFC, ICICI, कोटक, LIC, SBI, UTI, एक्सिस भी है और आई गेस मैक्स भी है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ये आपके फंड मैनेजर्स हैं। अब जो पेंशन फंड स्कीम डिटेल्स है, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो होते हैं, हमारे पास दो तरह के रहेंगे। एक तो हमारे पास रहेगा एक्टिव चॉइस और एक रहता है ऑटो चॉइस। तो ऑटो चॉइस में, एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि आपका जो है आप खुद से चूज करोगे, ठीक है, आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना करना है, AIF में कितना करना है, ये आप चूज करते हो। लेकिन ऑटो चॉइस में क्या होता है, आपका जो आपकी एज होती है, आपकी एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और आपका इक्विटी में ऑटो इन्वेस्ट होता है वो, ठीक है, वो खुद से ही इन्वेस्ट हो जाता है। आप ऑटो पे क्लिक करोगे आपकी एज के हिसाब से खुद से इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, एग्रेसिव लाइफ साइकिल, मॉडरेट लाइफ साइकिल, कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल। तो कंजर्वेटिव से जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्वेटिव में क्या होता है, आपका जो मेनली फोकस होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है। इसमें क्या होता है, ये आप अगर 40 की एज है, 40-45 की एज के हैं तो आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके रिस्क कम होते हैं। अगर लेकिन रिस्क कम होते हैं तो इसमें रिटर्न्स भी थोड़े कम होते हैं, ठीक है। देन आपका दूसरा आता है मॉडरेट लाइफ साइकिल। मॉडरेट लाइफ साइकिल में आपके रिस्क जो होते हैं वो मॉडरेट रहते हैं और रिटर्न्स भी आपके मॉडरेट रहेंगे। एग्रेसिव लाइफ साइकिल हमारा थर्ड ऑप्शन होता है, ये होते हैं जैसे जिसकी एज 25 साल की, तो वो इसको चूज कर सकते हैं क्योंकि वो उनके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो अगर लेकिन अगर वो रिस्क ले रहे हैं यानी कि एग्रेसिव लाइफ साइकिल में चूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स उनके रिटर्न्स भी उतने ही हायर होंगे। एसेट क्लास हमारे पास तीन है जैसे मैंने बताया, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अब इनके ऊपर कैपिंग है, आप अगर सोचो कि मैं सारा ही इक्विटी में 100% कर देता हूँ तो आप नहीं कर सकते। 75% से ऊपर आप इसमें कैपिंग है, 75% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, कॉर्पोरेट में आपका 100 रह कर सकते हो पूरा, गवर्नमेंट में भी आप 100 कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट आपका अंडर 80CCD IB के अंतर्गत आपका जो 1.5 लाख का जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर 50,000 अगर आपने NPS लिया हुआ है, NPS में हो आप जुड़े हुए, तो उसके ऊपर 50,000 का क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं पार्शियल विड्रॉल पे। आप पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, आपने NPS अकाउंट तो खुलवा लिया, हो सकता है आपको कुछ विड्रॉल की जरूरत पड़ जाए। आज मैंने अपना NPS खाता खुलवा लिया लेकिन मुझे कुछ टाइम बाद किसी भी रीजन से मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने NPS अकाउंट से निकलवा लूँ, तो वो कैसे हो सकता है। तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है हमारी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। ये रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, एक तो सब्सक्राइबर को 3 साल हो जाने चाहिए, मतलब कि आपने अपना अकाउंट खुलवाया NPS का, आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने 2 साल तक इन्वेस्ट किया, फिर आप सोचते हो कि थोड़ा सा अमाउंट निकलवा दूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता। जब तक आपको 3 साल नहीं हो जाते पार्शियल विड्रॉल नहीं हो सकता। पार्शियल विड्रॉल की कंडीशन है कि आपको 3 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए। आपका जो अमाउंट है जो आप निकाल सकते हो दैट विल बी 25%, यानी कि अगर आपके NPS अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं तो आप वो पूरे नहीं निकाल सकते आफ्टर 3 ईयर्स, आप 25% ही यानी 25,000 ही निकाल पाओगे। और ये आप कितनी बार कर सकते हो, पूरे टेन्योर में, पूरा टेन्योर एज इन कि आपने जब से अकाउंट खुलवाया है और जब तक आपका 60, 65 या 70 साल, जब भी आपको क्लोज करना है उस पूरे ईयर में, पूरे टेन्योर में आप 3 बार ही निकाल सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज निकलवा लिया, आप कभी भी निकलवा लो, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं तो वो यही है कि आपको 3 बार निकाल सकते हो और 25% 1 बार में निकाल सकते हो। अब आपका कुछ पर्पस होना चाहिए,
मतलब अगर आप ये दिखा सकते हो कि आपका मतलब हायर एजुकेशन है, चिल्ड्रन को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, उनकी शादी होने वाली है, या आपका जो हाउस है वो रिन्यू हो रहा है और फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, या कोई भी आपकी इलनेस है, तो उसके उस पर्पज़ को दिखा के आप विड्रॉल करवा सकते हो अपना अमाउंट 25%। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जिट और विड्रॉल्स में। अब बहुत से लोगों का इशू होता है कि एग्जिट कैसे करें, विड्रॉल कैसे करें। तो एग्जिट दो तरह से होते हैं, या तो आप 60 साल से पहले कर लें या 60 पे करते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप 60 पे या 60 के बाद करते हैं तो आप एग्जिट कैसे कर सकते हैं, आपका क्या होगा, अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए, जब तक आप 60 साल के हो जाते हो आपके एनपीएस अकाउंट में 5 लाख का कॉर्पस है, तो कॉर्पस आपको कैसे मिलेगा, वो आपको लमसम मिलेगा। जैसे कि 60% आप लमसम निकाल सकते हो और रिमेनिंग जो आपका 40% होगा वो पेंशन के तौर पे बन जाएगा और आपको मंथली पेंशन के तौर पे मिलेगा। अब वो पूरा 5 लाख नहीं, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो, ठीक है, लेस देन 5 लाख, ठीक है, अगर आपका 5 लाख है तो आपको 60% जो होगा लमसम मिलेगा और जो रिमेनिंग 40% होगा वो आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा बिफोर 60 ईयर्स। अब कुछ लोगों का कंसर्न ये भी हो सकता है कि 60 से पहले ही उनको अमाउंट निकालना है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब इसकी कंडीशन ये होती है कि आपको मिनिमम 5 ईयर्स, इसको कहते हैं प्रीमेच्योर एग्जिट, ठीक है, आपको मिनिमम 5 ईयर्स हो जाने चाहिए एनपीएस में। अगर आपको 5 साल हो गए हैं, 60 से पहले आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके अकाउंट में लेस देन 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से नीचे हैं तो आप पूरा अमाउंट आपका निकल जाएगा 100%, 2.5 लाख आप निकाल लोगे। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप लमसम जो आपका 20% ही निकलेगा, सिर्फ 20% आप निकाल सकते हो, ठीक है, और रिमेनिंग जो 80% है वो आपके पेंशन के तौर पे बन जाएगा। ऑन डेथ, डेथ का मतलब अगर जब भी जिस भी सब्सक्राइबर ने लिया हुआ है एनपीएस आपका, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो जो भी उन्होंने नॉमिनी बनाया है वो चाहे उनकी बेटी हो या स्पाउस हो कुछ भी, उनको 100% मिल जाता है अमाउंट एक ही बार में। अब एनुइटी क्या है, एनुइटी होती है पेंशन, पेंशन को ही एनुइटी बोलते हैं, ठीक है। पेंशन होता है एक फिक्स सम ऑफ मनी होता है जो आपको एक पीरियड में मिलता रहता है, जैसे कि हर मंथली बेसिस पे मिल गया, जो भी आपने चूज किया मंथली बेसिस पे आपको पेंशन मिलता है। टाइप्स ऑफ एनुइटी प्लान्स, अब एनुइटी आपके जो पेंशन यानी पेंशन जो प्लान्स होते हैं उसके भी 4 टाइप है। एक तो होता है एनुइटी पेबल फॉर लाइफ, यानी कि जब तक आप हैं, ठीक है, आपको पेंशन मिल गया वंस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, ठीक है, सब्सक्राइबर इज नो मोर, तो उनका क्या होता है कि उनके स्पाउस को या नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है, वो उनका अमाउंट ऐसे ही रह जाएगा, जब तक वो है तब तक उनको पेंशन मिल रहा है, उसके बाद पेंशन भी बंद हो जाती है, ना उनके नॉमिनी को पास ऑन होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एनुइटी पेबल फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ कैपिटल। इसमें होता है कि अगर जब तक आपका सब्सक्राइबर है तब तक तो उनको पेंशन मिल रहा है, अगर उनकी डेथ हो जाती है जो भी उनका नॉमिनी है उनको रिमेनिंग उनका जो अमाउंट है वो पूरा ही एक बार में मिल जाएगा, पेंशन के तौर पे नहीं मिलेगा, उनका जो नॉमिनी है डेथ के बाद उसको पूरा एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास ऑप्शन है एनुइटी पेबल फॉर लाइफ विद एनुइटी पेबल टू स्पाउस, दैट मीन्स सब्सक्राइबर को तो मिल ही रहा है पेंशन, उसके बाद उसकी डेथ के बाद कोई भी मिसहैपनिंग के बाद उनका जो स्पाउस है, ठीक है, उसको भी पेंशन के तौर पे ही मिलेगा, एक बार में अमाउंट नहीं मिलेगा, पेंशन के तौर पे ही मिलेगा उसको भी, ठीक है। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन आता है एनुइटी पेबल फॉर लाइफ विद एनुइटी पेबल फॉर पेबल टू स्पाउस विद रिटर्न ऑफ कैपिटल, मतलब सब्सक्राइबर को अमाउंट पेंशन मिल रहा है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके स्पाउस को पेंशन मिल रहा है, अगर इन केस स्पाउस की भी डेथ हो गई, कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग, तो जो भी उनके नॉमिनी होंगे नॉमिनी को रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो एक बार में पूरा मिल जाएगा। अब एनपीएस रिटर्न सिंस की आवाज नहीं आ रही है एक बार, हां अभी ठीक है। सर कहां से नहीं आ रहा है आवाज, मतलब मैं फिर से रिपीट करूं क्या? नहीं नहीं कंटिन्यू करिए। ठीक है सर, एनपीएस रिटर्न सिंस इंसेप्शन। अब यहां पे हम दिखा रहे हैं कि जो भी हमारे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो कितना कितना आपको रिटर्न्स देते हैं, ठीक है। तो HDFC पेंशन है जो टॉप पर है, वो इक्विटी में 13.33, ठीक है, 13.33% का रिटर्न दे रहे हैं आपको, जो भी आपका अमाउंट है उस पर 13.33% का रिटर्न आपको मिल रहा है इक्विटी में। कॉर्पोरेट में वो 9.48, ठीक है, इतने का रिटर्न दे रहे हैं। गवर्नमेंट में 8.92 और अल्टरनेट में 8.73। तो करंटली जो
HDFC है एज ऑन 2022, वो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न दे रहे हैं। ICICI है उसके बाद जो आपको 11.17 यानी 11.17 का इक्विटी में दे रहे हैं, 9 और 8 आपको कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिल रहा है। आदित्य बिरला आपको 10% का दे रहा है इक्विटी में एंड 7% का आपको मिलता है कॉर्पोरेट में। और ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। अगर आपने ऑटो किया ये किया हुआ है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको HDFC जिसके साथ भी आपको रिलायबल लगता है उनके साथ आप जा सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें क्या है कि अमाउंट इन NPS ऑन एग्जिट। अब बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं वो हमसे बोलते हैं कि मैडम हम आज ही इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो इसमें है NPS का मतलब है आप जितनी अर्ली एज में करोगे आपको उतने उसके बेनिफिट्स रहेंगे। देखिए अगर आप 25 की एज में 25 साल की उम्र में आप करते हैं इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके पास 60 साल तक 35 साल रहते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको 35 साल तक इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट में हमने ये बोला है कि मिनिमम आपको 1000 का पर ईयर 1000 का आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है कि अगर आप पर मंथ 1000 रुपीज़ करते हैं पर मंथ के हिसाब से आपने 35 साल में पर मंथ 1000 के हिसाब से 35 साल में आपने इन्वेस्ट किया 4,20,000 रुपये, ठीक है। अब हमने माना है इसमें कि रिटर्न जो आपको आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आ रहे हैं वो हर साल 10% आ रहा है। तो इसके हिसाब से जो आपका कॉर्पस आपका टोटल अमाउंट होता है जो रिटर्न वगैरह मिला के आपका होता है, ठीक है। तो कॉर्पस आपका बन गया लगभग 38 लाख, ठीक है, 38,000 आपका कॉर्पस बन गया। तो आपने जमा कितना किया, आपने किया 4,20,000 जो मंथली 1000 रुपीज़ के हिसाब से 35 साल तक जमा किया। और आपका अमाउंट कॉर्पस कितना हो जाता है, आपका 38 लाख कॉर्पस हो जाता है, ठीक है। अब जब भी आप इसको मतलब विड्रॉ करते हैं जब आप 60 साल के हो जाते हैं, ठीक है, तो आप 60% आप विड्रॉ करेंगे, पूरा अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। फिर आप 22 लाख रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं, रिमेनिंग जो आपका अमाउंट होगा यानी 15 लाख, ठीक है, ये आपको पेंशन के तौर पर मंथली मिलेगा जिसका पेंशन आपका कुछ 7,500 रुपये बनता है। ये आपका 25 साल का सिनेरियो है। अब हो सकता है कोई सब्सक्राइबर 35 साल का हो, तो अगर कोई सब्सक्राइबर 35 साल में इन्वेस्ट करता है तो उसके जो इन्वेस्टमेंट ईयर्स कितने बचते हैं, 25 साल बचते हैं 60 साल तक, तो 1000 रुपये के हिसाब से पर मंथ वो 3 लाख रुपये जमा कर लेता है अपने, मतलब 3 लाख इन्वेस्ट कर लेता है अपने NPS अकाउंट में। अब उसका जो टोटल कॉर्पस है मतलब जो 25 साल में उसका आया है रिटर्न वगैरह लगा के 10% लगा के टोटल उसका हो गया 13 लाख रुपये, ठीक है। 13 लाख रुपये जब वो निकालेगा तो 8 लाख रुपये निकालेगा 60%, और जो उसका पेंशन के तौर पे बनेगा वो 5-5.5 लाख रुपए बनेगा जो उसको 2,500 रुपए हर मंथ आएगा पेंशन के हिसाब से। 45 की उम्र में कोई इन्वेस्ट करता है तो क्योंकि उसके पास 15 ही साल है, ठीक है, 15 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, 1,80,000 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिए। अब उस पर जो रिटर्न आया 10% का, कॉर्पस उसका 4 लाख का हो गया, ठीक है, 2.5 लाख रुपए उसने निकाले हैं, 1.5 लाख उसके पास बच जाते हैं यानी 40% उसके पास बच रहे हैं। अब उसका 836 रुपये कुछ 800 रुपये का इनका बनता है मंथली पेंशन। 55 की उम्र में कोई इन्वेस्ट करता है तो 55 की उम्र में उसके पास 5 साल ही बचे, 1000 रुपीज़ के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे मंथली तो 60,000 उनका अमाउंट हो जाता है टोटल, ठीक। अब वो कॉर्पस तो उनका कितना हुआ, 78,000, ठीक है, 78,000 ही उनका कॉर्पस हुआ, तो उसमें से उन्होंने 46,000 निकाल लिया। अब रिमेनिंग जो 31,000 है ये उनका अगर पेंशन बनता है तो 156 रुपये ही बनता है। इसलिए जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करवा सको, सब्सक्राइबर हैं वो अपने बच्चों का भी NPS करवा सकते हैं, तो NPS में खासियत ये है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे कॉर्पस आपका उतना ही अच्छा रहेगा। और दूसरा आप उसमें रिस्क भी ले सकते हैं, तो आप इक्विटी वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और इसलिए NPS आप जितनी जल्दी ले लोगे उतना आपके लिए अच्छा है क्योंकि कॉर्पस आपका ज़्यादा रहता है इसमें, और पेंशन भी आपको जब भी पेंशन मिलता है तो अच्छा पेंशन मिलता है। आप देखोगे जब आप 45-55 पे NPS लेते हो तो आपका पेंशन 800 रुपये यानी और 150 रुपये कुछ बनता है। नेक्स्ट हमारे हैं चार्जेस। अब ये चार्जेस हैं जो VLE को मिलते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो चार्जेस VLE को कितने मिलते हैं, अगर हमारा VLE एक सब्सक्राइबर का रजिस्ट्रेशन करता है तो उनको कुछ 184 रुपीज मिलते हैं, जो डिडक्शन के बाद 179 रुपीज कुछ उनको मिलते हैं, ठीक है। आपका 184 रुपीज हो गए, ये आपको मिलेंगे सब्सक्वेंट पे। अगर 500 रुपए का कोई कस्टमर आता है आपसे बोलता है कि हमारे 500 रुपए
एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा, तो उसमें आपको 24 रुपये मिलते हैं। अब हम जानते हैं प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है एनपीएस का, जो सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। हमारे पास दो मोड होते हैं रजिस्ट्रेशन का, इधर आप आधार से कर लो, ऑनलाइन आधार से, और आप पैन के थ्रू भी कर सकते हो। आप क्या करेंगे, डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे अपना। सबसे पहले सर्च बार आएगा, सर्च बार में टॉप पर आप सर्च करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाता है। इसमें आपको तीन ऑप्शन आएंगे, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन कैलकुलेटर। तो आप अभी हम रजिस्ट्रेशन के बारे में सीख रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे इधर आपको डीएम ने हेल्प किया है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उन्होंने हेल्प किया है, इधर बाय सोसाइटी और सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आपके पास कोई सब्सक्राइबर आया, कोई कस्टमर आता, उन्होंने बोला मुझे एनपीएस खुलवाना है, तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और आप इसमें पैन नंबर डालेंगे, पैन के थ्रू कर रहे हैं, पैन नंबर आपने डाला, पैन नंबर सबमिट कर दिया। दूसरा, अब यहाँ पे हम आपको जो स्क्रीन खुलेगा वो डिटेल्स का खुलेगा, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। ये डिटेल्स बहुत क्रूशियल होती है, अगर आप इसको ठीक से नहीं भरते हैं या नेम मिसमैच हो गया तो बाद में मॉडिफाई करवाना होता है। तो इट्स बेटर कि आप जो उनके डॉक्यूमेंट में, यानी उन्होंने आपको पैन के थ्रू कर रहे हैं, पैन कार्ड दिया है, जो भी नेम है आप उसको एज इट इज वैसा ही भरें। हो सकता है कस्टमर आपको बोलें कि नहीं हमारा सरनेम ये है और पैन कार्ड में सरनेम नहीं है, तो आप उनको नहीं देखेंगे, डॉक्यूमेंट में जो नाम होगा आप उसको ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करेंगे, जो डिटेल्स होगी डॉक्यूमेंट में एज इट इज वही फिल करेंगे। आपने मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाली, ठीक है, इसके बाद आप सबमिट कर दोगे। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आएगी, जैसे कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है उनका, ईमेल वगैरह पैन, और आपने डेट ऑफ बर्थ भरा, ठीक है। ये सब मतलब बेसिक जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं आप ये डाल के सबमिट करोगे। अब केवाईसी डिटेल्स आ रही है आपकी, आपको रजिस्टर किसके, मतलब ऑनलाइन आधार से करना है, पैन से करना है, कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद सबसे पहले, इसके बाद आपको आता है डिजी लॉकर, ये हमारा नया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी कस्टमर अपना आपको आधार नंबर बताएगा, ठीक है, और इसमें इनको आधार भरना होगा और डिजी लॉकर का शायद इसमें ये आता है ओटीपी। आप अगर इसको फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप, पहले आपको एक ओटीपी आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो आप डालोगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। अब आप सब्सक्राइबर का नाम देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इसके बाद आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा। बैंक डिटेल भी बहुत क्रूशियल होती है, बैंक डिटेल्स बहुत जैसा है आपको वैसे ही डालना है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि जिस कस्टमर का आपने किया है बैंक डिटेल्स में वही नेम है या नहीं है, क्योंकि यूजली क्या होता है बहुत बार ये रिजेक्ट भी हो जाते हैं, इनएक्टिव भी हो जाते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है उनका मिसमैच हो जाता है, जैसे बैंक डिटेल्स में नेम मिसमैच हो गया कुछ भी, तो इसकी वजह से रिजेक्ट भी हो जाता है, या अकाउंट तो ओपन हो गया लेकिन उनका जो ये है बैंक है वो बैंक डिटेल से वो इनएक्टिव रहती है, ठीक है। फिर आपको नॉमिनी डिटेल बनना है, जिनको भी, चाहे आपके स्पाउस हैं, डॉटर हैं, जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं आप उनका डिटेल भरेंगे। स्कीम सेलेक्ट करेंगे, आपका ऑटो चॉइस है, एक्टिव चॉइस है, आप खुद से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अपना एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है, और अपना कैंसिल चेक या पासबुक जो भी है आपके पास अवेलेबल। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हो, और आप अपना हाँ ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। ये आप आइडेंटिटी प्रूफ में डालोगे, एड्रेस प्रूफ डालोगे आप, उसके बाद सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद ये आपको वॉलेट पे रिडायरेक्ट करेगा। वॉलेट में आप अपना पासवर्ड जो भी होगा वो डाल के सबमिट करते हो, तो वैलिडेट करने के बाद आपको एक रसीद जनरेट होता है, ठीक है। जैसे ये रसीद आएगा आपको, ये आप कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हो, कि मतलब एक प्रूफ है कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया। दूसरा आपका आता है एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब पहले हमने सीख लिया कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अब बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे जिनका ऑलरेडी है आपका पेंशन का अकाउंट, एनपीएस अकाउंट, फिर वो आपके पास एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आते हैं। तो एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जैसे कि आपने पहले एनपीएस डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम सेलेक्ट, वहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको ये स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। तो आप एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। अब एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन में एनएसडीएल और कार्वी दो हमारे सीआरए हैं, एनएसडीएल जो गवर्नमेंट के होते हैं यूजली, ठीक है, या ये भी होता है कि किसी का कार्वी में अकाउंट है तो उन्होंने एनएसडीएल में शिफ्ट करवा लिया, तो वो आपको सब्सक्राइबर से पूछ लेना है,
कि उनका अकाउंट एनएसडीएल का है या कार्वी का है। कार्वी में जाते हैं, एनएसडीएल में भी जाएंगे जैसे भी, ठीक है। अब हमारे पास, लेकिन पहले हमारे पास कार्वी में सिर्फ टीयर वन और एनएसडीएल में भी टीयर वन का ही हम सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लेते थे। अब कार्वी में हमारे पास टीयर टू भी आ गया है, तो अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे टीयर टू का पेमेंट करना है, तो आप कार्वी में जाके, फिलहाल ये ऑप्शन सिर्फ कार्वी में अवेलेबल है, तो आप कार्वी में जाएंगे और कार्वी में टीयर टू का पेमेंट करेंगे वहाँ से। लेकिन इसका मिनिमम आप एक बार में पर ट्रांजेक्शन 250 रुपये का है, 250 रुपये से ऊपर आप पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये टीयर टू की बात कर रही हूँ मैं, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टीयर टू। अब एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन में गए टीयर वन के लिए, ठीक है। सब्सक्राइबर ने आपको बताया कि एनएसडीएल का करना है या कार्वी का करना है, ठीक है। जो भी उनका अकाउंट होगा आप उस पर गए, आपने सब्सक्राइबर से प्रैन नंबर पूछा उनका, प्रैन नंबर डाल के आप कन्फर्म करेंगे, वेरीफाई प्रैन करेंगे, उसमें कस्टमर का नेम और उनका प्रैन नंबर अपने आप ही पॉपुलेट हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। देन आपको अमाउंट डालना है जो सब्सक्राइबर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे, अमाउंट सबमिट करेंगे, फिर आपको रसीद जनरेट होगा। ये रसीद आप हैंड ओवर कर देंगे सब्सक्राइबर को एज अ प्रूफ कि हमने आपका पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम सर्विस रिक्वेस्ट पे। तो बहुत से हमारे वीएलईज को प्रॉब्लम होता है कि सर्विस रिक्वेस्ट में प्रॉब्लम आता है, सब्सक्राइबर को भी आता है। कभी होता है कि मुझे अपनी पर्सनल, किसी भी सब्सक्राइबर को, मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है एनपीएस में, मुझे अपने पर्सनल डिटेल्स यानी कि मुझे अपना नेम मॉडिफाई करवाना है, मेरे नेम में सरनेम नहीं था, जो मुझे अपना सरनेम लगवाना है, या मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, या बैंक डिटेल्स चेंज करवानी है, ठीक है। चेंज इन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ भी चेंज करवा सकती हूँ, सिग्नेचर भी होता है। अब हमारे पास शिफ्टिंग के भी, जैसे मैंने आपको बताया था सीआरएस शिफ्टिंग, किसी ने कार्वी में अकाउंट खुलवाया है, अब उसका गवर्नमेंट जॉब लग गया और उनको एनएसडीएल में, क्योंकि गवर्नमेंट में एनएसडीएल का प्लान मांगते हैं, तो उनको एनएसडीएल में शिफ्ट करना है। उसके लिए हमारा लगता है इंटर सीआरए शिफ्टिंग फॉर्म, ठीक है। ये आप ये भी सर्विस रिक्वेस्ट में आता है आपका। दूसरा, आपको पेंशन फंड चेंज करना है, तो इनके लिए या तो आप एक काम कर सकते हैं कि nps.kfintech.com करके एक हमारा साइट है एनपीएस का, kfintech का सॉरी, इसमें आप जाके खुद से भी आप लॉगिन करेंगे, सब्सक्राइबर से उनका प्रैन नंबर पूछेंगे, लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के। वंस आप उसको लॉगिन कर लेते हैं, वहाँ से खुद से भी आप सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको जो भी मॉडिफिकेशन करवाने हैं आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें pension@csc.gov.in pension@csc.gov.in इस पर भी हमें ईमेल कर सकते हैं। आप अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है, आपको एग्जिट करना है 60 के बाद, डेथ का कोई केस है, क्लेम आईडी आपको जनरेट करनी है, पैन कार्ड रीइशू करना है, ये सारे काम, जितने भी मॉडिफिकेशन है, आप इसके लिए pension@csc.gov.in हमें ईमेल कर सकते हो। यहाँ से हम आपको आए और हम आपको असिस्ट कर देते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप है, लाइक आपको फॉर्म चाहिए, जो भी आपको आपको फॉर्म चाहिए, हो सकता है आपको मॉडिफिकेशन करवाना हो या सीआरए शिफ्टिंग करवाना हो, किसी का जॉब लग गया आपको एनएसडीएल से कार्वी में, कार्वी से एनएसडीएल में जाना है, फोटोग्राफ चेंज करवाना है, या जो भी आपका मॉडिफिकेशन है, ये आप हमें ईमेल कर सकते हो अलॉन्ग विद द फॉर्म्स। या तो आप, आपके पास फॉर्म नहीं है तो हमें नॉर्मल ईमेल कर सकते हो कि आपको फॉर्म चाहिए, एल्स फॉर्म है तो उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एज एन मुझे विड्रॉल करवाना है, ठीक है। अब मुझे विड्रॉल करवाना है तो मैं अपना पैन कार्ड भी लगाऊंगी, जो मेरा पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड अपना, आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, तो और बैंक डिटेल्स, ये सब स्कैन करके मैं क्या करूंगी, मैं पेंशन की आईडी पे उसको भेज दूंगी। वहाँ से वंस वेरीफाई करके आपको रिप्लाई आ जाता है कि इसको आप भेज दो, फिजिकल कॉपी भेज दो हमारे एड्रेस पे, जो आपको ईमेल पे सब मेंशन होता है। तो ये आज का हमारा सेशन था जो एनपीएस के बारे में था, और जितनी भी हमारे जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो सारी इसमें ऑलमोस्ट हमने कवर कर दी है। इसके अलावा भी आपको लगता है, आपको कोई क्वेरी है, आप हमें pension@csc.gov.in पर भी ईमेल कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपका इशू है, बहुत बेसिक भी अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो आप हमें यहाँ भी ईमेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। अश्विनी आप म्यूट पे हैं।
थैंक यू सोनिया जी, आज आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हमारे वीएलई भाइयों को कि एनटीएस के क्या फायदे हैं और वो कैसे इसको कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जो हमने टीयर टू चालू किया है अपना कारवी के थ्रू, तो उस पर थोड़ा सा संक्षेप में बता पाएं कि टीयर टू क्या है और इसके क्या फायदे हैं और इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, टीयर टू अकाउंट हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, ठीक है। टीयर वन जो आपका मैंडेटरी अकाउंट है एनपीएस में, टीयर वन, ठीक है। टीयर टू एक अकाउंट होता है आपका, ये मैंडेटरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है, कस्टमर का अपना चॉइस है कि वो टीयर टू अकाउंट खुलवाना चाहता है। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, टीयर टू में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं, इसमें विड्रॉल पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये काइंड ऑफ आपका जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसा होता है टीयर टू, कि आप अपने हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब टीयर टू अकाउंट जो हमारा खुलता है वो 1000 रुपीज़ से खुलता है, और पहले ये हमारे पास मतलब डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू नहीं होता था टीयर टू का पेमेंट। अब आपको क्या करना है, आपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन किया, वहाँ पे आपने नेशनल पेंशन सिस्टम सर्च किया, एडिशनल कंट्रीब्यूशन में जाएंगे, अपना कारवी सिलेक्ट करेंगे, कारवी में जाके टीयर टू का आपको ऑप्शन दिखेगा, और टीयर टू में जाके जितना भी अमाउंट कस्टमर आपको बोलते हैं कि इतना अमाउंट हमारा सबमिट कर दो, वो अमाउंट आप सबमिट कर सकते हो टीयर टू का। लेकिन एक ये है कि टीयर टू में आपका पर ट्रांजेक्शन 250 रुपये का होता है, मिनिमम 250 रुपये का आपका जो है ट्रांजेक्शन रहेगा, ये हमारा टीयर टू है। ये बिल्कुल ऑप्शनल अकाउंट है, मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी, आपका मन है आप इसको खुलवा सकते हो टीयर टू को। पहले सीएससी में फैसिलिटी नहीं थी कि इसका पेमेंट, पर अब ये हमारे थ्रू भी होता है, तो अगर किसी कस्टमर का है टीयर टू अकाउंट आप उनको बता सकते हो और वो आपके थ्रू करवा सकते हैं। अच्छा, रिटर्न्स सेम ही रहते हैं जो टीयर वन में मिलते हैं, सेम रिटर्न्स टीयर टू में भी होते हैं? रिटर्न्स का सर मुझे क्लैरिटी नहीं है, रिटर्न्स की मुझे क्लैरिटी नहीं है। ठीक है मैम, हम एक बार टीयर टू के लिए अलग से सेशन कर लेंगे। वैसे हमने आज जो सेशन हुआ है वो बहुत ही लाभकारी रहेगा हमारे वीएलई भाइयों के लिए, और वो इससे काफी सीखेंगे। तो सभी वीएलई भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा एनपीएस करें, लोगों को बताएं कि आपके द्वारा एनपीएस की सर्विस दी जा रही है और उसका कंट्रीब्यूशन करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप अपने जिला प्रबंधक से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और सोनिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे साथ ये समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।